फाहाद मुस्तफा जो कि पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री का एक कामयाब नाम है, जिन्हें हम जीतो पाकिस्तान शो होस्ट करते हुए भी देखते हैं और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इनका फैन बन चुका है। अदाकार फाहाद मुस्तफा ने अपनी शानदार अदाकारी के अंदाज और टैलेंट के बायस बड़े बड़े अदाकारों को भी पीछे छोड़ दिया और इनकी दिलकश पर्सनैलिटी का तो हर कोई दीवाना बन चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बासलाहियत और कामयाब अदाकार फाहाद मुस्तफा की जिंदगी के हैरान कुन हकायक शेयर करेंगे। तो अगर आप इनके बारे में मुकम्मल मालूमात जानना चाहती हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखें और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। पाकिस्तानी शोबिज में फाहाद मुस्तफा के नाम से मशहूर अदाकार का असल नाम फाहाद सलाहुद्दीन है, जो कि शोबिज में अपने स्टेज नेम से मशहूर हैं। अदाकार फाहाद मुस्तफा 26 जून 1983 को लाड़काना में पैदा हुए। इस वक्त इनकी उम्र 39 ईयर्स है और अब वो अपनी फैमिली के साथ कराची में रहायश पजीर है। अगर इनकी फैमिली के बारे में बात करें तो इन्होंने सिंधी फैमिली में आंख खोली। इनका ताल्लुक एक आर्टिस्ट फैमिली से है। इनके वालिद सलाहुद्दीन तोनियो हैं, जो कि शोबिज के एक कामयाब सीनियर अदाकार और प्रोड्यूसर हैं। इनकी वालदा हाउसवाइफ हैं। इसके अलावा इनकी फैमिली में इनके दो भाई और एक बहन है। इनके बहन भाइयों का ताल्लुक शोबिज से नहीं है। प्लीज सब्सक्राइब शोबिज न्यूज ऑफिशियल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट शोबिज अपडेट्स। अदाकार फाहाद मुस्तफा की अगर हाइट के बारे में बात करें तो इनकी हाइट 6 फीट है। इनका मजहब इस्लाम है और इनका वेट 68 kg है। अदाकार फाहाद मुस्तफा असल जिंदगी में शादीशुदा है। इनकी शादी 2005 में सना फाहाद से हुई। इनकी बीवी सना फाहाद एक राइटर हैं और वो अपनी शानदार सलाहियतों के बायस एक बार बेस्ट टीवी राइटर के अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हो चुकी हैं। अदाकार फाहाद मुस्तफा इस वक्त 2 बच्चों के बाप हैं। 2011 में अल्लाह ताला ने इन्हें एक बेटी से नवाजा, जिसका नाम इन्होंने फातिमा फाहाद रखा, और 2016 में इनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम मूसा है। अदाकार फाहाद मुस्तफा अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशगवार शादीशुदा जिंदगी गुजार रही हैं और इनकी खूबसूरत फैमिली फोटोज अक्सर सामने आती हैं। अगर इनकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से ही हासिल की, जिसके बाद बकाइद मेडिकल यूनिवर्सिटी से फार्मेट्स बनने की तालीम हासिल की, लेकिन डिग्री मुकम्मल होने से पहले ही इन्होंने अपनी तालीम छोड़ दी और शोबिज में कदम रख दिया। अदाकार फाहाद मुस्तफा का हेयर कलर ब्लैक, जबकि इनका आईज कलर भी ब्लैक ही है। अगर इनके शोबिज करियर की बात करें तो इन्होंने 2002 में बतौर अदाकार और मॉडल शोबिज में कदम रखा। वो अब तक 12 से ज्यादा पाकिस्तानी फिल्मों और 27 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रामों में शानदार अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। अदाकार फाहाद मुस्तफा की वजह शोहरत जीतो पाकिस्तान शो की होस्टिंग है और वो एक मॉर्निंग शो भी होस्ट कर चुके हैं और इसके अलावा वो कई कामयाब ड्रामे भी प्रोड्यूस कर चुके हैं। अदाकार फाहाद मुस्तफा अब तक 50 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रामों में बतौर प्रोड्यूसर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा चुके हैं। इनके बतौर अदाकार चंद एक ड्रामों के नाम मकान, ये जिंदगी है, तुम जो मिले, वीना, मैं अब्दुल कादर हूँ, जिंदगी धूप, तुम घना साया, मैं चांद सी, मेरा साईं टू, दाग, कंकर, मेरे हमराही, दूसरी बीवी और दीगर हैं। अगर इनके अवार्ड्स और नॉमिनेशंस की बात करें तो वो अब तक 15 से ज्यादा अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं, जबकि वो 5 बार अवार्ड्स अपने नाम भी करवा चुकी हैं, जिसमें से वो बेस्ट होस्ट, बेस्ट फिल्म एक्टर और बेस्ट टीवी एक्टर का अवार्ड अपने नाम करवा चुकी हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था के प्रोड्यूसर भी फाहाद मुस्तफा ही हैं। तो आपको अदाकार फाहाद मुस्तफा के बारे में ये सब मालूम जानकर कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।